दोस्तों अगर आप भी श्रेय सैयर को ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों दूसरे क्वालिफायर में खेले जा रहे कोलकाता और दिल्ली के बीच जबरदस्त मुकाबले में दिल्ली के सबसे अहम खिलाड़ी श्रेय सैयर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर रिमांड लगाई यहाँ तक की उन्होंने पहली पारी की आखिरी गेंद पर एक ऐसा गगन छक्का मारा जिसे देख तो मैदान पर सभी दर्शकों के साथ साथ भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग की भी आंखें फटी की फटी रह गई ये देखकर वीरेंद्र सहवाग ने कुछ ऐसा कैडा जिसको सुनकर तो शायद आपके भी होश हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों बता दें आपको श्रेय सैयद के छक्के पर वीरेंद्र सावा के बयान के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस साल का आई कौन सी टीम जीतेगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों तेरह अक्टूबर को खेले जा रहे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आई इस मुकाबले में कोलकाता के कप्तान ओइन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जो कि उनका यह फैसला काफी हद तक सही भी साबित होता हुआ नजर आया क्यूँकी उनकी टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की टीम को महज एक रनों आरोप रोकने में कामयाब रहे जिसमे सबसे शानदार योगदान दिया वरुण चक्रवर्ती ने जिन्होंने अपने चार ओवर में छब्बीस रन देकर दो विकेट अपने नाम किए वही दोस्तों दिल्ली की ओर से सबसे शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया श्रेयस अयर ने जिन्होंने 27 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली बता दें अय्यर ने इस मुकाबले में पहली पारी की आखिरी गेंद पर शिवम मावी को एक ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसे देखकर तो मैदान पर मौजूद सभी दर्शन दर्शकों के साथ साथ भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के भी आंखें फटी की फटी रह गई बता दें श्रेयस अयर के शानदार चक्के को देख कर, वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कहा है की श्रेयसर दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के एक जबरदस्त खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने अपने करियर में लगातार शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है उन्होंने दूसरे चरण में दिल्ली की टीम को जो मजबूती प्रदान की है उसके बाद तो दिल्ली की टीम और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है इस मुकाबले में जहां दिल्ली का हर एक बल्लेबाज कोलकाता के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा था वहीं अय्यर ने बेहद आसानी से उनका सामना करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ शॉट खेले यहाँ तक कि उन्होंने आखिरी गेंद पर जो छक्का लगाया उसे देख तो उनका दिल ही खुश हो गया इस खिलाड़ी की बाजुओं में क्षमता है आक्रामक प्रहार करके गेंद को सीमा रेखा के पार ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर पहुँचाने की उन्हें पूरी उम्मीद है की ये खिलाड़ी इस साल दिल्ली की टीम को आई का खिताब जिताने में कामयाब रहेगा लेकिन दोस्तों आप सभी सहवाग के इस बयान के साथ साथ श्रेय सैयर के इस शानदार छक्के को दस में ऐसी कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा